भाई फोन करे था बस चल रहा ना, दोबारा फोन आया फोन में दे दो योगेंद्र यादव जी हैं कौन गए हेलो सारे भाई राम राम भाई, एक बार सारे भाई जोड़ो भाई, भाई बबलू की आईडी बता लाइव हो रहे हैं भाई, सारा भाई जरा जो आ रहे हैं भाई देख लो दिखाएं, एकता की ताकत दिखाएं। सरकार कोशिश कर रही थी हमें तोड़ने की, हमें सरकार तोड़ नहीं पाएगी। किसान जाग चुका है अभी तो। किसान भाइयों आपसे अपील करती हूँ, एकता बनाए रखें, शांति बनाए रखें, अनुशासन और धैर्य में रहते हुए हमें अपना हक एक दिन जरूर मिलेगा। 6 महीने से जिस तरीके से आपने प्यार से, अनुशासन से अपना आंदोलन को आगे चलाया, आगे भी मेरे भाइयों आप ऐसे ही चलाते रहें। मैं भी आपको दिखाऊंगी, हमारे साथ ये राकेश टिकैत जी भी बैठे हुए हैं और भी मैं लोगों को दिखाती हुई। बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठे खट्टर और दुष्यंत को गाना गा रहे हैं। और जितने भाई देखा मैं शेयर कर दियो भाई, गले गला अपनी, और जितने आसपास के भाई हैं भाई सारे भाई बहुत सो भाई अड़े अपना भाई है भाई कुलदीप ठीक है जी, ना बात करवाओ भाई, रुक जाओ सारे भाई शेयर करते रहो भाई। भाई 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 कौन ना 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 इन्हें यहाँ रहते खाना खाना लग रहा है टिकट जी पर बात में सर भाई की। और भाई जितने भाई आस पास के गाँव के सारे भाई पहुँच लो यार, जितने भाई देखे हैं भाई 300 भाई देख ला रहे, शेर का दोटा मार दे भाई अलग अलग। माहौल तनावपूर्ण है भाई। एसपी ने भी बात करते मना कर दिया भाई एस के एम के साथ, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनसे बात करने से एसपी साहब ने मना कर दिया। सारे भाई आड़े पहुंच लो भाई हंगाला की। हाँ जी हाँ जी, ये अपने सिस्टर हैं जी लड्डू सरपंच साहब। अरे भाई और बात कर लो बोलो। सदर टोहाना, हाँ ये भाई विकास के अंकल जी हैं, बारू है भाई सिस्टर से, ये सारे सिस्टरदार हैं भाई, सारे के सारा भाई चरण जो बैठा है रविंद्र भाई से विकास का बड़ा भाई है भाई। बोलो सारा काम नहीं होगा इतना जावा को नहीं भाई था तो फिर कागज सुनाने उसके भी रात में बोलो बोलो इतने बैठे हैं भाई, इतना सारा काम नहीं होगा इतना हमारा विकास भाई आजाद भाई एक भाई और से हम तीनों ने छूट लेंगे इतना से हम नाड़ा दो भी नहीं लाई जो हमारा थाना ही बैठे हैं ठीक है भाई। ये पूरा किसान मोर्चा बैठे आ रहा है तो ये दे भाई अपना नड्डू सरपंच सिर गाँव से भाई सरपंच साहब हैं भाई, सारा है भाई चरा बैठा भाई आड़ा है। जितने भाई देखो भाई आसपास के जो भाई भी होना पोचो भाई आड़ा है, हंगा लाके पोचो भाई आड़ा है। ये भाई खाना तैयार होने लग रहा है। ये हमारी मातृशक्ति बैठी है भाई, देख लो ये हमारी मातृशक्ति है भाई, 70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं भाई, देख लो यो भाई सदर टोहाना जिला फतेहाबाद भाई, सारे भाई पहुँच लो भाई आड़े ठीक है। मात्र शक्ति से बात करो, मात्र शक्ति बोल रही भाई लो सारा खाना खान भाई, जल्दी से जल्दी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई, सारे आ जाओ। ये थाना में बैठे हैं, देख कितनी मात्र शक्ति बैठी है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, देख लो भाई आकर जल्दी से जल्दी आओ। आज हमने सबकी सहायता की जरूरत है, जल्दी आ जाओ भाई। बोलो भाई, शेयर करते रहो भाई, सारे भाई जो आसपास के भाई सारे पहुंचो भाई आड़े। साथ ही साथ शेयर करते रहिए भाई। फोन दे दो उनको, आप फोन दे दो उनको। देख लो भाई सारा स्कैम बैठा आ रहा है संयुक्त किसान मोर्चा। जब तक हमारे दोनों भाई विकास सर और रवि यादव रिहा नहीं होते, तब तक हमारा एसकेएम यहीं बैठा ही है। बड़े भाई अपने योगेंद्र यादव जी बात करके 2 मिनट बोलिए। हाँ भाई आपने तो सही बात बता दी, या हमारे साथियों को रिहा करो या फिर हमें गिरफ्तार कर लो। पुलिस ना तो उनको रिहा कर रही ना गिरफ्तार कर रही, तो भाई हम बैठ गए। तो देख लो भाई अपने यादव साहब थे यहाँ बैठे हुए हैं भाई, एसकेएम पूरा का पूरा। देख लो भाई पूरा पुलिस बल साथ में अपने फौजी भाई बुला रखे भाई। भाई आज की रात परीक्षा की रात है भाई पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के लिए। तो भाई जितने भाई आसपास के सारे भाई पहुंचो भाई। ये हरियाणा का आंदोलन नहीं भाई, हरियाणा का नाम बनता भाई, हो सारे आंदोलन है हो। ये भाई है अपने भाई मत लौटते भाई, जितने भाई देखे खबर शेयर कर दियो भाई। गल ये गल अड़े बैठे हैं भाई, ये इंतजाम करा के हमें पानी वाली बिल मंगा रखी है, वजर मंगा रखी है। ये अपना भाईचारा सारा किसान बैठे हमारे धरना लगाए भाई। जितने भाई देखो आवाज पहुँचाओ आसपास के गाँव में, जितने आसपास के गाँव हैं जो पहुँच सके हैं वो आड़ा हंगा लाई पहुँचो भाई सारे के सारे। अपने भाई डॉक्टर साहब हैं, सिलो डॉक्टर साहब एवर 2 मिनट भाई बात करो इनका भाई। राम राम सारे भाई ने भाई, आप लोगों ने बार बार लाइव आकर तंग करने लग रहे हैं, मकसद नहीं है। बस एक निवेदन है भाई, इस विकास ने है ना इस आंदोलन खतर बहुत कुछ कर रखे रहे गाना कर रखे थी। अपना परिवार इतनी अपना उजाड़ लिया, इसका बाप बेचारा बिना संभाल है इस आंदोलन के चक्कर में इसका बाप अपना खो दिया, इसकी बूढ़ी माँ उसका 10 डॉलर की बीमारी लग गई इसका बाप के चक्कर में। और भाई रोज़ 3-3 4 इसकी माँ के फ़ोन आने पर कुकड़े मेरा बेटा ले आए दो, मतलब वह स्थिति इसका परिवार की रहे, मतलब गरीब घर का परिवार मतलब इस्ती रहे आंदोलन खातर, इतनी जमीन जमीर खातर फसल नस्ल खातर अपना सब कुछ दाप ला दिया। कितने का माँ बाप चाहे रहा है किसी बेटा इस उम्र में अपना कैरियर बर्बाद करके है, अपना सब कुछ बर्बाद करके है और क्या नाम है आंदोलन लड़ा है। किसी के माँ बाप नहीं चाहते भाई, किसी के माँ बाप नहीं चाहते। बेग बेटा आगे आया है इसकी नाक हो भाई। मैं बार एक बात कहूँ, यू जो मुकदमा लाया है बहुत बड़ा केस लाया गया भाई। अगर यू केस उल्टा नहीं हटिया साल भी बाहर नहीं आना, 1 साल भी। और जितने लोग बैठे हैं ना तो टिकरी बॉर्डर बैठे हो, चकड़ियाँ बैठे हो, कड़ियाँ भी, सबका यू मुकदमा लगना है। अगर यू मुकदमा इनकी ट्रायल बेस पे लिया है, ट्रायल बेस पे यू मुकदमा इतना बुरा है, सरकार चाहो तो जमानत नहीं उन्होंने 1 साल भी। और यू जो तैयारी थी इनकी सारी 1 साल पहले लिया करी थी बस, जब यू किसान आंदोलन चल रहा है बेरा था वह सबका यू मुकदमा ठोकना है। तो भाई जितने भी युवा साथी हैं वह जिसका जो भी ईमानदारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक बात बताऊं, कहना नहीं चाहता लेकिन एक बात फिर भी मैं कह दूं, आज भी विकास ही सरकार रवि आजाद की रिहाई खातर कुछ राजनीति हुई है अंदर खाता है, सारी बात का बेरा है। लेकिन मैं को नहीं कंधे यू परमात्मा देखने वाला है, यू करा जो कराएगा। जो आज भी इस मामले में कोई राजनीति कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं उतनी परमात्मा दंड देगा। हमारा बस की बात करें, मामला सीख लिए बुराई करता है हम तो भाई इस पर छोड़ दी परमात्मा पर। जो सही आदमी है, जो आंदोलन चाहवा लड़ना और जो मतलब विकास इस तरह जानता हो और नू लगता हो विकास इस सच्ची लड़ाई लड़ी है। इस आदमी ने पॉलिटिक्स नहीं करी चाहे कभी ना, इतनी पॉलिटिक्स अधिक करनी आई। अगर यू पॉलिटिक्स करता ना संगठन बढ़ाता तो आज इसकी दशा नहीं होती, इतनी को टोकन वाला नहीं बढ़ाता। यू मारे नू खाया गया, ईमानदारी में मार खाया गया। जब पुलिस ने नू आई वैसे ना कोई को नहीं और कुछ बयान आए, चलो जिसकी बयान भी दिए ना आम तो उसकी का परमात्मा उसकी भी माफ़ करें, कोई बात नहीं उसकी मार उसको माफ़ी दे। जिसने भी इसका पूरा सोचा परमात्मा किसी का बुरा ना करे। लेकिन भाई निवेदन है सारे भाई, इसका परिवार है ना इसमें ना टूट जाएगा राई जमा उजड़ जाएगा भाई। जितने भाई सुना है यह बात मैं वीडियो सुना नहीं कह रहा, शेयर तो कर दो। और जो आदमी सुन रहे हैं ना बस सारे काम छोड़ गए भाई, इस काम पे खड़े हो लो। जो यू स्पीति भाव नहीं छुटा पाए ना बस अपनी जिंदगी वो ना हो बराबर है। बस सत्य मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा, एक परमात्मा ने युवा अपना एक आदमी दे रखा है सत्य है, इस किसी पॉलिटिकल पार्टी की मत नहीं इसका कोई फोन कर देगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता की ये ईमानदारी तो सच्ची लड़ाई लड़ने लग रहा है। उस दिन जो सारा वाक्य होया इसका गलत में मरिया साहब का लिया, इसका कोई इरादा नहीं था ना नेता पकड़ने इरादा था, ये जो कुछ इसका नाम चलिया जो इसकी आज इज्जत मिल रही है परमात्मा देने वाला है। तो सबसे निवेदन है भाई एक बार इस युवा छूट गया नहीं मुश्किल हो जाए, लड़ाई लड़नी नहीं बचेंगे। कोई भी माँ बाप अपना बेटा देगा अगर यू जेल में नहीं कटाया तो भाई। आज जो नजदीक के है टोहाना के आसपास के आज रात ना पहुंचो भाई, और जो कल ने जितने भी आसपास के एरिया में जो भी लोग हैं भाई छुटाओ, इस तीस का छुटाया मैंने इसका अपना परिवार कर रहा है और आप भी इसका परिवार का हिस्सा अपना फर्ज बना है भाई। इसने अपना साथ दे रखा आज इस मौका पर आप कल्ला नहीं छोड़ते हैं भाई। आगे बात करते पारस भाई देखो भाई, लाखों की संख्या में किसान युवा साथी आप सभी देखने लग रहे हो भाई, और जब तक अपना मांगे पूरी नहीं होगी भाई ना उठने का कोई जरिया है ना कोई प्लान। भाई अगर बात करवाओगे अपने सर साहब भाई देख लो अपना माहौल। जितने भाई जुड़ रहे हैं भाई पर शेयर कर दे रहे हो। भाई है भाई अमित पूरा हैप्पी अपने मनीषा बिश्नोई सुदेश गोयल जी जोगेंद्र नयन जी सारे खाना लेने लग रहे भाई। अपना प्रहलाद भाई है बड़ा भाई प्रहलाद भारू खेड़ा सर आओ सर बोलिए एक बार संदेश दियो एक मिनट। आज टोहाना में हम सब मोर्चे के दिल्ली के साथी व हमारे हरियाणा के साथी और टोहानियों की हमारी पूरी टीम और टोहाने के किसान टोहाना ही नहीं मैंने जैसा बताया पूरे हरियाणा के अलग किसान यहाँ पे आए हैं। हमारे जो दो साथियों को पुलिस ने गलत तरीके से जो गिरफ्तार किया है उसके विरोध में यहाँ ये धरना लगा है और हमारा प्रशासन से ये कहना कि हम भी गिरफ्तारी देंगे और आज ये शुरुआत है। हमने आज कॉल दे रहे हैं हम अपने साथियों को तमाम साथी कल सुबह यहाँ आ जाएं इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पे जब तक हमारे साथियों को बिना शर्त रिहा नहीं करा जाएगा तब तक ये आंदोलन निरंतर यहाँ चलता रहेगा। ये थे जो भाई योगेश्वर जी थे इनके विचार आपने सुने भाई पवन गिल है भाई आड़े सारे भाई बैठे भाई सारा भाईचारा अपना बबलू वाली सारी टीम पहुँच रही है आड़े भाई सारा भाईचारा भाई शेयर करते रहो साथ के साथ में माहौल दिखाया जाओ भाई। कुलदीप है अपना भाई बड़ा भाई खड़ते हैं दो बात रखा भाई आपके सामने। सारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टोहाना पहुँचो भाई। हमारे भाई विकास की सरोवर या यादगिरी आई नहीं होगी तब तक हम इस थाने से घर वापस नहीं जाएंगे। धन्यवाद। देख लो भाई माहौल तनावपूर्ण है पूरा। सब काम है गुड़िया होती है दो तीन लोग रहेगी यहाँ भाई। देख लो माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल है भाई। भाई अरे भाई सारे शेयर कर दो इस बात ने राय। आज बात एसकेएम पर आ रही है संयुक्त किसान मोर्चे पर और पार के आ रही है भाई। आज अगर आज हमारा एसकेएम की आज बात नहीं मानी जाती है तो हमारा आंदोलन आज फैल समझो। सारे भाई अड़े पहुंचो भाई हंगा लागे जो आसपास के भाई हैं वो सारे भाई अड़े पहुंचो भाई। आज है अपने सम्मान की लड़ाई, आज है अपने भाईचारे की लड़ाई, आज है हमारी जबान की लड़ाई। सारे भाई अड़े पहुंचो भाई हंगा लागे सारे के सारे भाई। बात करवाओ आपके एक भाई है अपना बहुत कर्मठ मेहनती है प्रहलाद सिंह बारू खेड़ा भाई। दो बात भाई से करवाओगे प्रहलाद है प्रहलाद भाई प्रधान जी करे क्या रोटी नहीं खानी बस रख दो बस कर दो आप आ गया ले लिया चल रहा है। सभी साथियों से अपील है सभी साथियों से अपील है आसपास के इलाके से जहां तक ये वीडियो देख रहे हैं सारे साथी सबसे अपील है कि टोहाना के सदर थाना के अंदर धरना लगा दिया और संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर यहाँ पर बैठे हैं। राकेश टिकेत जी यहाँ पर बैठे हैं, योगेंद्र यादव जी यहाँ पर बैठे हैं और तमाम आसपास इलाके के बहुत से किसान साथी और हमारी महिलाएं जो है हमारे बहनें माताएँ बहनें हैं वो भी यहाँ पर बैठी हैं। जो हमारे जो साथी हैं विकास सीसर और रवि आज़ाद को इन्होंने जेल में डाल रखा है हिसार जेल में उनको जो रिहाई भाई को लेके आज यहाँ पे आए थे कि या तो हमारी गिरफ्तारी कर लो या फिर हमारे साथियों को रिहा कर दो, लेकिन यहाँ पे आज जो दिन भर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसमें यहाँ का जेजेपी का विधायक बबली है, उसने तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन हमारे साथियों को विकास ईश्वर और रवि आज़ाद को है उनको रिहा नहीं किया जा रहा। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने सदर थाना टोहाना के आगे धरना लगा दिया और यहीं पर बैठे हैं जब तक या तो हमारी गिरफ्तारी की जाए या फिर साथियों को रिहा किया जाए। इसी मांग को लेकर हम बैठे हैं। तो हम सब साथियों से अपील कर रहे हैं, सभी किसानों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पहुँचने शुरू हो जाए साथी, ताकि इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करके अपने साथियों को छुड़वा सकें। भाई अपने प्रहलाद सिंह बारखेड़ा जी सिरसा से जगतार देने के लिए यहाँ पर आगे ना जाओ जी। ताऊ जी एक मिनट, आज का क्या प्रोग्राम है ताऊ जी? आज तो यहीं रहेंगे, यहीं पे रहेंगे ना? हाँ, यहीं। जो आसपास के साथी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस आ जाओ भी भाई, अपना दो रोटी ले आओ बनवा के और आ जाए, यहीं है। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, वो कह रहे थे कि आप आ जाओ यहाँ पे दो रोटी बनवा के। बस सारे भाई पहुँचो भाई अड़हंगा ला के। हाँ भाई, ये भाई यहाँ बने भाई मत लौटाते हैं। हाँ से भाई देख लो भाई, सारा भाईचारा सारा किसान कौम अड़टी खड़ी है भाई कि जब तक हमारे साथ एरिया नहीं होते हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे 6 महीने लग जाओ यहाँ पे। तो सारे भाई तो विनती है भाई, इस वीडियो ने शेयर करो ज़्यादा भाई। ये हमारे बड़े भाई हैं राज सिंह धनाना थे, ये आपकी बात रखें। बताइए भाई क्यों बैठे हो आज यहाँ पे? क्यों बैठे भाई, किसाना बाढ़ पकड़ रखे नो बैठे धान लगे काम कर। ये थे भाई बड़े भाई राज सिंह धनाना, ये भाई बैठे मैं अपने देख लो, अपना भाई है संदीप भाई, सिकंदर भाई, धर्मराज, सारा भाई चरा बैठा मतलब डाले भाई बैठे मैं सारे के सारे। हाँ भाई क्यों बैठे हो अड़े भाई? विकास ईश्वर रवि आज़ाद जब रिहा नहीं करेंगे नहीं, 6 महीने लायक जो भाई उरे बैठे हैं दरिया करके सारे के सफारी करके जब जाऊँ भाई। तो ये धर्मराज भाई था भाई नुकवा, जब तक विकास ही सरिया नहीं होता जब तक यहाँ से जानते नहीं। हाँ रवि आज़ाद दो भाई गिरफ्तार कर रखे वो छुटते नहीं, जानते नहीं। हाँ चाहे 6 महीने लायक जियो। अरे भाई आज हर पैर की हरे, आज बात संयुक्त किसान मोर्चे की इज्जत की है। जितने भाई देखने लाग रहे हो जो ही बात कही भाव तरके हंस तरके पहुंचो भाई अड़ा हंगाला की भाई बात इज्जत पा रही है तो इज्जत रखो भाई। सुख किसान मोर्चा मारते हैं कि उसकी बात ना रखो भाई। सारे भाई पहुंचो भाई अड़ा, सारे भाई जितने किसान साथी सारे पहुंचो भाई। आज जो आज नहीं तरके पहुंच रहे भाई करते हैं। बाकी भाई आज रात ने कुछ भी हो उसका भाई आर या पार देख लो भाई, किसान भाई है भाई सिस्टर से भाई यार हैं भाई। हाँ जी भाई पहले बात करिए भाई, इसलिए रुक रहे हैं अपने संयुक्त मोर्चा वाले जितने भी अपने किसान लीडर हैं जो अपने किसान नेता हैं उनका संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था भाई टोहाना जाकर के हम अपनी गिरफ्तारी देंगे या फिर जो हमारे किसान नेता जो हमारे भाई रवि आज़ाद और विकास ईश्वर को रिहा करो या फिर हमारे को भी गिरफ्तार करो। उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना ही तो हमारे को गिरफ्तार करी सरकार और ना ही हमारे भाइयों को छोड़ रही। और अब 10:30 बज गए हैं भाई, थाना में है भाई किसान, हज़ारों की संख्या में थाना में किसान है भाई। ये देख लो हज़ारों की संख्या में 10:30 बज चुके हैं और किसान यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे भाई। जब तक उन हमारे भाइयों की हमारे नेताओं की रिहाई नहीं होगी तो टिकैत साहब ने भी कह दिया तब तक हम यहीं रहेंगे। और जितने आसपास के जो गांव हैं, टोहाना के जो आसपास के गांव हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यहां अपनी संख्या को बढ़ाएं। पुलिस प्रशासन दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन किसान दबाव में आने वाले नहीं है। ये हालात देख लीजिए, किसानों की संख्या भी खूब है, लेकिन फिर भी हम बार बार प्रार्थना करते हैं जो आसपास के गांव हैं, जो हमारे टोहाना के आसपास के गांव हैं, वो यहाँ जरूर पहुँचे और बहुत ज़्यादा जल्दी करके ना आए, बिल्कुल आराम से आए। धन्यवाद भाइयों को। तो भाई सारे भाई पोचो भाई, जो आसपास के भाई हैं सारे पोचो भाई आड़े, राम राम भाई, सारे भाई पोचो भाई आड़े, क्योंकि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ बैठा हुआ है और भाई जितना तरफ हो सके जितने भाई भी यहाँ पहुँच सको पोचो भाई, हंगा लागी पोचो आड़े, क्योंकि बात हमारी इज्जत की, हमारी शान की और आन की है भाई, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ बैठा है। और संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि आज सारे साथी गिरफ्तारी देंगे, ना तो प्रशासन ने हमारी गिरफ्तारियाँ ली और ना ही प्रशासन ने हमारे भाइयों को छोड़ा। तो भाई संयुक्त किसान मोर्चा का ने कहा है कि जब तक हमारे भाई जो गिरफ्तार कर रखे हैं उनको छोड़ा नहीं जाता, तब तक यहाँ पे धरना जारी रहेगा। तो सारे भाई हंगा लागी पोचो भाई, जितने भाई आसपास के हो वह पोचो भाई, अगर आज नहीं पहुँच सकते रात में तो कल सुबह पोचो भाई, सारे भाई आड़ा पोचो। बात आ गई जितर शान की, संयुक्त किसान मोर्चे से हमारे लिए इस तो ऊपर कोई नहीं है भाई। तो सारे भाई हंगा लागी आड़ा पोचो। देख लो भाई हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर जी हैं, हमारे यादव जी हैं, टिकेत साहब हैं, डिम्पी भाई और सारे भाई यार पूछ रहे हैं भाई, सारे भाई हंगा लागी पूछ रहे। हम बताओ भाई, बतावे क्या थी यहाँ पे तो प्रशासन नहीं मान रहा। अपना आ जाओ, कुछ शाम को आ जाओ और कुछ कल से अपना बताओगे थाने तुम लोग भी और जगह बैठना पड़ेगा मोर्चे के पेज से। हाँ नहीं, यहाँ सरकार ज्यादा अटपटी से दिखाना चाहिए है, नहीं कुछ डेंजर है रास्ता। हमने कहा भाई ये तो उन्हें छोड़ दे, हमें भी गिरफ्तार करो, ना हमें गिरफ्तार कर रही ना उन्हें छोड़ रही। लोगों को आप क्या अपील करना चाहोगे? लोग सही है कि अपना धैर्य बनाए रखें और आ जाए, बस अपना गुजरात को आ जाए, आपको कुछ भाई आ जाए, आ जाए शांति से, अपना टोली उरोली ले, उसके ऊपर झोंपड़ी झाँपड़ी बना कर लिया हुआ। यहाँ पर ये तो मोर्चे बहुत जगह खोलने पड़ेंगे। जैसे किसान हर खेत को अपने काम करता है, ऐसे ही हर किसान को सड़क पर आना पड़ेगा। ये तीन कानून दिल्ली में हो गए, यहाँ पे गिरफ्तार हो गए मुकदमे, ये बड़े मामले चलेंगे। अब यहाँ टोहाना थाने में पहुँचे लोग, सब टोहाना थाने में है, सब लोग यहाँ पे आ जाए, जो नजदीक के लोग हैं आ जाए, हो तो वही आ जाए और नजरें बनाए रखें, नजरें बनाए रखें। गिरफ्तारी जो भी चीज़ है काम करो, जिस टाइम पे भी करना हो गिरफ्तार करके जेल भेज दो। हमारे साथ भाई जो हमारे सीनियर लीडर हैं राकेश टियाकित जी, उनका कहना है भाई सब जो किसान हैं वो आज के प्रकरण पर नजरें बनाए रखें, कुछ भी हो सकता है। आज की रात आर और पार की है, आज की रात संयुक्त किसान मोर्चा की इज्जत और बेइज्जती की बात है। अगर आज हमारी हार होती है तो समझो हमारी किसान आंदोलन की भी हार हो चुकी है, क्योंकि जब हमारे इतने बड़े सीनियर लीडर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अगर हमारे साथ प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है तो भाई हमारी हार निश्चित है। तो भाई सारे भाई जितने भी भाई देखने लग रहे हो, हंगाला दो आर या पार। जो एसपी साहब हमारे टोहाना के, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया इस स्कैम से। सारे भाई पोचो भाई आड़ा, हंगाला की पोचो, सारे के सारे जितने आसपास के भाई हैं सारे भाई पोचो। और भाई इस वीडियो ने शेयर करते रहे हो, गल्ला ही गल्ला। संजय चौहान पहलवान जी घर बढ़ जावांगे तारे, घनी बड़ी बात ना को आवे और दोबारा कमेंट करने वाला सोच लिए, ठीक है ना। क्या कह तू, सोच के बोल जो उतना बोलना है। खैर तने बता दो संजय चौहान तेरे घर में घुस जावांगे फालतू बोलिया तो। जो हमारे यहाँ सीएम के लीडर है वो हमारे सब कुछ है, तो सोच समझ के कमेंट करो। 150 लाइव जो ये एंड बैंड कमेंट करने लग रहे हैं मेरे भाई सुन दो, जानते हैं फिर को हूँ पिछवाड़ा बांदर वर्गा बना देंगे। पल्ले परेशान हो रहे और परेशान ना करो, कुत्ता के हटाओ। भगत सिंह वादी हाँ, मैं गांधीवादी नहीं हाँ, नोट कर लिया इस बात ने। हम भगत सिंह वादी हाँ, क्या गाड़ दे टिकट साहब को, कुत्ते के औलाद तू है इस लेवल का। हमारा नेता हो कुत्ता खड़ा है वो, तेरा घर में घुस जावांगे। वो पूछ सुना खड़ा है वो, पूछो उसने दो गाड़ी देवे टिकट साहब ने, कहाँ पे है वो? वही तेरे घर में घुस जावांगे ना, वही चलेंगे। कहाँ पे है वो, सोच समझ के कमेंट करो। एक एक बात का हिसाब होगा, एक बार पूछो तो वो कहाँ पे है। भाई जो कमेंट करे ना भाई सोच समझ के कमेंट कर लियो। हमारे नेता हमारे भगवान है 40 आदमी अरिंदी जोखिम में कहा नाड़ कटवास कर काट भी सका कर रख दिलाई क्या काट देना गिरता मी लागे ना। जो हमारा टिकट इतनी काट देगा, जो हमारे नेता 40 आदमी जो भी काट देगा ना, नोट कर लिया उस बात ने, उनके ग्राम बढ़ जावांगे। सारे भाई भाई आड़े पूछो भाई न भाई। किसान आने शुरू हो गए हैं आसपास के। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न भाई बाजार आना शुरू हो गए, सारे किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो भाई के नाम चले गए थे भाई उनका नुह गया था भाई हमारा फैसला हो गया, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया। तो सारा भाईचारा पहुंचना फिर शुरू हो गया भाई, सारे किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। जितने इस भाई इस वीडियो में देखना है भाई शेयर कर दे रहे हो गैल ही गैल, ताकि हमारी आवाज़ दूर तक भाई जो इतने भाई किसान देख रहे उन तक पहुँच सके कि आज हमें उनकी ज़रूरत है। आज लड़ाई आर और पार की है, आज लड़ाई आत्म सम्मान की है, आज लड़ाई शोध किसान मोर्चा के जबान की है। तो जितने भाई देख लग रहे हो ना, देखो हमारे कितने 70-80 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। देखो 70-70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं वहाँ लौट रहे हैं, सोन लाग रहे हैं भाई, नू बैठे हुए हमारे भाई कब छुटा कब छुटा कब छुटे। तो जितने भाई देख लग रहे हो सारे भाई शेयर करते रहो भाई गैल ही गैल इस वीडियो ने। जो लंगर चला रखा है बाड़ा भैया ने किसान एकता जिंदाबाद, था जिंदाबाद, दर जिंदाबाद रहेगा भाई जिंदाबाद। भाई मंदिर राम राम भाई मंदिर में मतवाल जी आए हैं भाई, इनसे बात करो 2 मिनट। साथियों सदर थाना टोहाना में भी पड़ाव जारी है। सभी साथियों से निवेदन है कि टोहाना सदर थाना के अंदर आए। अभी जो बात गिरफ्तार की असासी को रिहा करने की मांग है। विकास साथी हमारा अंदर है, आज़ाद अंदर है। उस दिन थाने क्या कि हमने धरना लगाया था, इसमें हमने 23-24 साथियों को छुड़वा लिया था। 2 साथियों को पिछले रास्ते से पुलिस ने सीधा जेल में भेज दिया। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप आगे आएँ। धन्यवाद। ये थे भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही संघर्षशील भाई हैं मंदिर नथवान जी, जिन्होंने जिस टाइम पर विकास ही सर रवि आजाद को पकड़ा गया था तो पूरी रात ये साथी और इनके साथ में जो इनका संगठन है, पूरा संगठन वहाँ पूरी रात वहाँ पर थाने के बाहर बैठा हुआ था भाई। ये भाई है भाई हमारे साथ दिया उस टाइम पे दुख में साथी। तो भाई सारे भाई कल गला शेयर करो भाई। ये थे हमारे बड़े भाई मनदीप नथवान जी। भाई जितने भाई देखना रहे हो शेयर करते रहो भाई गली गल। किसान के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए। हरीश कुमार, बिल्कुल हरीश कुमार भाई गाँव दिन लग रहे थे लोग। यार हमारे यहाँ स्कीम है संयुक्त किसान मोर्चा के जो 40 हैं वो हमारे भगवान वर्ग हैं भाई, उनका तो चीज ले भी सका चीज दे भी सका। कोई गाड़ देना सोच समझिए गाड़ दे लियो भाई, असाब होया कर अरे हमें असाब करना जाना। एक बात ने ध्यान से सुन लियो, हमें गांधीवादी नहीं है, हम भगत सिंह वादी हाँ। हमारा सारा भाईचारा, हमारा बबलू वाली जो जितना ही भाईचारा है बबलू भाई का सारा भाईचारा भगत सिंह वादी है। तो नोट करके सोच लियो भाई, जो गाड़ दे हो ना वो अपनी अलग में डालते हैं भाई, गाड़ अलग में उल्टी करके किसी गाड़ देगा ना उसी गाड़ अलग में उल्टी डाल देंगे। कुत्ता क्या हटो, पहले दिमाग खराब रहा और करने लगे कुत्ता ही बीज। देख लो भाई जो माहौल आड़े का सारा संयुक्त किसान मोर्चा आड़े बैठा है। जब तक हमारे दोनों भाई युवा किसान नेता भाई विकास सर और रवि आजाद जब तक रिहा नहीं होते तब तक 6 महीने लायक जी ओढ़े 6 महीने भी किसान बैठा रहेगा। तो सारे किसान भाई तो लास्ट में विनती करा भाई, सारे किसान भाई आड़े पहुँचो, जो आसपास के हैं वो ही पहुँचो और जो भाई दूर दराज के भाई हैं वो सुबह पहुँच लो भाई आड़े। और भाई जो भाई भी इस वीडियो में देखने लग रहे हो हाथ जोड़ की विनती है, इस वीडियो में शेयर करो, हमारी आवाज हमारे किसान भाई तक पहुँचाओ भाई। सारे भाई भाई साहब इतनी जो खेल कराए टोहाना में हम कड़ता रहे उम्र आ रहा हाथी के पास से इसे खेला था इतनी पको उसी पास से पकड़ो भला साहब बोलिए न उन दोनों पास से जाओ भाई साहब इसी बाइस की मारो भला। और भाई साहब आती रात खबर कर उसी टाइम आ जाएगा अच्छा रहता हम भाई साहब। देख लो हमारे 70-80 साल के बुजुर्ग के गान लाग रहे हैं, उनकी बात सुनो भाई। अपना ये को नहीं आंदा है कि सपोलिया इसका इलाज करो भाई साहब है, रामपाल मेरा नाम है, खास बात से ये भाई साहब है बिल्कुल देख ले भाई। हमारे 80 साल के 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो अनुकरण लाग रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। और भाई आधी रात ने फोन कर दिया आधी रात ने भी आड़े पावांगे भाई। फालतू कमेंट ना करो रे, दिमाग पर ले आउट हो रहा है, फालतू कमेंट ना करो भाई। सारे भाई ना लास्ट में एक विनती करना चाहूंगा भाई कि भाई जितने भी आसपास के साथी हो सारे ही पहुँच लो भाई, और जो ही भी नहीं पहुँच सकता उसमें पहुँच लियो भाई। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय किसान जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद।